हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, जो कि हमारे ऑल कंप्यूटर एग्जाम्स में आते रहते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों, आपको इस प्रश्न के लिए 5 सेकंड मिलते हैं, फिर मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारा लखनऊ। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा ध्यानचंद स्टेडियम है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शेरशाह का मकबरा कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारा सासाराम में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारा मुंशी नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, जो हैदराबाद स्थित है वो मुंशी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारा हीलियम गैस। ठीक है फ्रेंड्स, वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारा स्वीडन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारा 1975 में। ठीक है फ्रेंड्स, क्रिकेट का पहला विश्व कप 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रीलंका की घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारा पटाना। ठीक है फ्रेंड्स, श्रीलंका की घास के मैदान को पटाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारा राल्फ फिट्ज। ठीक है फ्रेंड्स, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? दोस्तों राल्फ फिट्ज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारा शतरंज। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि रूस का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों हमारे इस वीडियो का लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, 60 टापों का शहर किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपके इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप मुझे वो भी बता दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके इसमें 10 में से अगर आपके 9 क्वेश्चन सही हुए हैं आप मुझे 9/10 कर दीजिएगा। अगर आपके इसमें 7 क्वेश्चन सही हुए हैं आप मुझे 7/10 कर दीजिएगा। अगर आपके इसमें 6% सही हुए हैं आप मुझे 6/10 कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।